अल्लाह तेरा है एहसान। जूता पहनने से कोई फायदा नहीं होता है। क्यों? ये जूता पता नहीं कैसा है, इसके अंदर डस्ट चला जाता है। नीचे से उसका सोल फट गया होगा। हाँ इसलिए हम उस जूता पहन देंगे, पैर और पसीजेगा, सॉफ्ट होगा तो और उल्टा हो रहा है। क्या चिकन? या डूड 180, यहाँ 200 रुपये के जी, इतना का फर्क है। 300 ग्राम दिया, जान पहन गया था, लिया कितना? 50 रुपये में 300 ग्राम दिया। सही है, वाह। फ्रंट क्या रंग की हुई हो? हम लोग बैक ऑन की हुई, इसीलिए आप ले जा रहे हैं? नहीं अल्लाह दो दो हंसी यार। आप सोच कैसे, आप सोचे कैमरा ऑन रहे हैं, शुरुआत की है, बोलिए ना यार। मगर आप कुनून नहीं आए सच में, आप स्मार्ट दिख रहे हैं, ये आपकी गलत फहमी नहीं है। बिल्कुल नहीं, मैं आपसे जल के क्या करूँ। तो आपको जब वहाँ जाना नहीं था तो आप तो ऐसे यहाँ से निकले और गायब थे, कि मुझे लगा कि आप तो वहाँ पहुँचने वाले हो। बहुत जाम, बाप रे। किस चीज़ का था जाम? बहुत भीड़ था आदमी, बस एक तो बस नहीं। क्यों ऐसा? क्यों यार, आज बाजार में लुब्धा हुआ यार। क्या दिया हुआ? लुब्धा हुआ। लुब्धा? लुब्धा मीन्स जैसे फल का फिरने का, जैसे लुब्ध जाता है, मतलब उसी तरह। रमजान का टाइम है ना, सब इफ्तार वगैरह का सामान, फल फ्रूट ये सब के लिए मार्केट ही जाता है ना, इसलिए। बट रमजान का मार्केट अच्छा भी लगता है ना, एक अलग ही चहल पहले मार्केट में। मेरा तो मन करता है कि मुझे पैसा लगे तो मैं रोज चली जाऊँ मार्केट। आटा मंगा दीजिएगा, रोटी ही बनाऊंगी। सही में रोटी खाने का भी मन कर रहा है, कई दिन हो गया। लेकिन कार्ब्स नहीं मिलेगा तो दिक्कत होगा। प्लीज चावल ही खाएंगे आप। फ्रेंड्स, जब मैं कपड़े फुल कर रही थी तो मेरा फ्रंट कैमरा ऑन था, ये सोचे ना कि बैक कैमरा ऑन है, तो ये इंग्लिश झरना शुरू की। इंग्लिश झरना, ये क्या बात है? उसके बाद पूछ रहे हैं कि अच्छा तुम बताओ बैक कैमरा तुम्हारा फ्रंट कैमरा ऑन है? मैं बोली हाँ, तो बोले जा, सोचे कि बैक कैमरा ऑन है। माहौल क्या होता है ना, यहाँ पे माहौल नहीं है, लोगों से बात करते हैं दिन भर, जो नॉर्मल जवान है उस पर, जहाँ जाते हैं बैंगलोर में मुंबई में, वहाँ पे इंग्लिश बोलते ही है, बोलना ही पड़ता है नहीं तो अब बात माहौल की नहीं है, अभी तक नॉर्मल घर में थे ना, अभी इंग्लिश जानने की क्या जरूरत थी, ऐसे निकल गया। तो फिर आप ये क्यों पूछेंगे कैमरा ऑन है मेरे पर है? नहीं, हम बोला बैक किसे ऑन क्यों, मेरे तरफ कैमरा फेस कर रहा है। अब मोबाइल में कंफ्यूजन होता है ना, दोनों साइड कैमरा है, किस तरफ घुमा हुआ कैसे मालूम चलेगा। और आपको लगा कि कैमरा ऑन है तो थोड़ा सा इंग्लिश झाड़ ले। नहीं, आप ये पूछे कि कैमरा ऑन है ना, मेरे तरफ है ना, क्यों रोया आज इनका पोपट बन गया। अल्लाह अल्लाह मौला रहम, मौला रहम। कैसा लगा आपका पोपट बना था? मेरे को बहुत अच्छा लगा। तुमको इसका अवार्ड मिलेगा, अवार्ड में तुमको मिलेगा 10 रुपये। 10 रुपये आप अपने अपने पास रखे। तो ये सब होता है ऑफ कैमरा। ये आपको इंग्लिश सुनाना चाहे तो हो गया पोपट। क्या पोपट? कैमरा मेरे तरफ था, ये सोचे मेरे तरफ कैमरा है। हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, और आप लोग भी दुआ से अल्लाह पाक के रहम करम से हम लोग ठीक हैं। आप लोग सोच रहे होंगे नगमा रो क्यों रही है, तो मैं रो नहीं रही हूँ, प्याज काट रही थी, उसमें से इतनी झांस निकल रही थी ना, कि उसकी वजह से ना मेरी आँखें जल रही थी, तो इस वजह से आंसू आ रहा था। और मैं आज प्याज ना नीचे बैठ करके कट कर रही थी, ना थोड़ा सर घूम रहा था, इसलिए मैं सोची थोड़ा खाना तो खड़े ही बनाना है, तो प्याज वगैरह बैठ के मैंने अच्छे से चॉप वगैरह कर लिया था। यहाँ पर मैं चढ़ा रही हूँ चना, और एक तरफ हमने कढ़ाई में क्या चढ़ाया, तो मैं चिकन का मसाला भून रही हूँ, और वो जो हमेशा
मैं बनाती हूँ ग्रेवी वाला चिकन, उसी रेसिपी से बना रही हूँ। तो उसी तरीके से हमने ना मसाला भुनने के लिए छोड़ दिया है। तो अभी मेरा मसाला भुन रहा है, जब मसाला भुन जाएगा उसमें फिर चिकन डालूंगी। यहाँ पर मैं चने की तैयारी कर रही हूँ, चना में हमने सारी चीज़ें मिला ली है। अब इसमें मैं ना टमाटर था तो मैं टमाटर भी डाली हूँ, जिसकी वजह से चना बहुत ज़्यादा टेस्टी और मसालेदार बनता है। अब इस तरफ ना फ्रेंड चिकन का मसाला भी भुन चुका था, अब मैं इसमें डालूंगी चिकन। और एक कमेंट आया था जो कि अभिमंडल आईडी से है, जो उन्होंने किया था कि है ना जो नाखून पर मैं नेल पॉलिश लगाती हूँ, तो उन्होंने उसके लिए सॉरी बुलाया कि सॉरी हम नहीं कहा था। तो कोई बात नहीं है डियर, हो जाती है, गलतफहमी हो जाती है, मैंने भी आपको क्लियर कर दिया। होता है कभी कभी हम लोगों से भी ऐसी गलतफहमी हो जाती है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। मेरे कलर पर नाखून पर कलर ही इतने दिखते हैं कि कोई भी कन्फ्यूज़ हो जाएगा। आपने पूछा, मैंने आपको प्यार से जवाब दे दिया, बात वहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन हाँ, उन्होंने ये भी पूछा कि क्या आप मतलब नेल पॉलिश नहीं है लेकिन मेहंदी का कलर नाखून पर रहने से वजू का पानी पहुंचेगा। तो हाँ बिल्कुल पहुंचेगा वजू। ईद में हम लोग ईद की नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं या ऐसे भी पांचों वक्त नमाज़ पढ़ते हैं, तो ईद में इतनी सारी मेहंदी लगाते हैं तो कलर, क्योंकि इस पर तो कलर चढ़ता है ना, लेयर नहीं ना चढ़ता है। नेल पॉलिश से क्या होता है कि आपका लेयर चढ़ जाता है, तो लेयर जो चढ़ता है तो पानी नहीं पहुँचने देता। और इस पर तो सिर्फ नेल, तो भाई मेरा नेल ही है ना, सिर्फ उसमें मेहंदी का एक कलर एक रंग आ जाता है और कुछ भी नहीं है। तो इसलिए मतलब मेहंदी का कलर लगा करके आप वजू वगैरह आपका हो जाएगा, और मेहंदी लगाना तो सुन्नत भी है। तो इधर इफ्तार वगैरह सारा हमारा रेडी हो चुका था फ्रेंड्स, और इधर आई थी शरबत बनाने की बारी, और मेरा ना खड़े होने का मन नहीं कर रहा था, थोड़ा रोज़ अब ज़्यादा ही दिन जा रहे हैं ना तो वो लगता है। तो मैं ना आ गई थी चेयर पे लेके बैठ करके, यहाँ इसमें शुगर घोल रही हूँ, वही रसना बने। कुकर में चना भी हो चुका है फ्रेंड्स, राइस हमने इसका पानी निकाल लिया, ये हो चुका है रेडी। और ये देखिए चिकन भी हमने रेडी कर लिया है, यहाँ पे शरबत भी हमारा इसमें शुगर डाल के हमने घोल दिया। अब इसमें सिर्फ ठंडा पानी मिक्स करना है जब आएगा तो, और यहाँ पे सिर्फ दाल फ्राई करना है। तो थोड़ा लेट से अभी थोड़ी देर के बाद करूँगी ताकि गरम गरम रहे। और पानी तो आप लोगों को पता ही है, घर में हमारे फ्रीज है नहीं तो दूसरी जगह से पानी का इंतज़ाम होता है। तो बस सारी चीज़ें हो गई है, और अब मैं जा रही हूँ बच्चे लोगों को उर्दू पढ़ाने के लिए। उर्दू पढ़ा करके आ करके फिर मतलब 15 मिनट पहले आ करके जल्दी से इसे फ्राई करूँगी, उसका फिर तार पर हम लोग बैठेंगे। उर्दू कौन कौन पढ़ेगा? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस मुल्क में पैदा हुए थे? मक्का मुकर्रमा में पैदा हुए। स्टार्ट कर दिया अपना जोर से इस टाइम। नहीं है ठीक। तो अब फिर से मैं आ गई थी फ्रेंड्स किचन में, मुझे ना मतलब वही इफ्तार का टाइम होने ही वाला था, तो मैं वही दाल पकौड़ी बना रही हूँ। और एक कमेंट मुझे आया था, उन्होंने कहा था कि नगमा ना पूरे रोज़े रख रही है, वो इस चीज़ के लिए खुश हो रही थी। तो हाँ डियर, सबसे बड़ी चीज़ है ना कि आज तक जब से मैंने पूरा मतलब रोज़े की मेरी उम्र हुई है, पूरा अच्छे से मैंने अकल संभाला, आज तक ऐसा कभी कोई रमज़ान भी नहीं गया है जो मैं रोज़े नहीं रखती हूँ। मैं पूरे रोज़े रखती हूँ, मतलब जितने हमारे रोज़े होते हैं उस हिसाब से मैं पूरे रोज़े रखती हूँ। क्योंकि मुझे ना रमज़ानों में मतलब मेरा ऐसा है ना कि मेरा तो ऐसा रहता है कि मतलब कैसे ये मौका मैं हाथ से गवा दूँ रोज़े ना रखने का। मुझे रोज़े रख के ना बहुत ज़्यादा दिल को सुकून पहुँचता है, तो मैं इसलिए रोज़े रखती हूँ इंशाल्लाह जब तक हूँ दुनिया में। इफ्तार लग रहा है, जल्दी जल्दी अजान का टाइम हो रहा है, हो चुका है। सिर्फ फ्रूट कट करना, सैलेड वगैरह सब रेडी हो चुका है। ये वाला तरबूज होता है ना, उससे ज़्यादा अच्छा होता है टेस्टी। किससे? वो हरा वाला से। सही नहीं? हाँ। कौन सा? इसका छिलका देखो, ये वाला है, ये निशान। अगर ये लाल हो गया तो ज्यादा अच्छा होता है। हाँ, इसमें यही फर्क है। तेरा है एहसान, रोज़े नमाज़ें और कुरान, है ये सब रूहे ईमान, नूरे रमज़ान। क्यों नहीं कर सकते हैं ऐसे? तो तुम लोग इतना पटर पटर करती हो। कौन इसमें से आज कौन कौन रोजा रखा? दोनों में से तुम रखा रोजा? सच्ची? कितना रोजा हुआ आज? बस तुम्हारा आज नहीं रखी थी? लेकिन उठ ही नहीं पाते हैं। कोई नहीं उठाता है? उठाता है लेकिन नींद में बोल देते हैं लोग, बोले जाओ नहीं आने। कितना रोजा हुआ आज तुम्हारा? सात हुआ। चलो माशाल्लाह। सर कौन बोला तुमको कि सर घर से आए? कब?
सर के घर से ऐसा कौन सा टी शर्ट सर बोले के आया? यही वाला है। क्या तीन चार महीने हो गया? तो कौन सा टी शर्ट तीन चार महीना पहले आपके घर से आया ये भी तो बता दीजिए हमको। हेलो, ये भी तो बता दीजिए। बाद में बोलते हैं। असबद, तुम बताओ कौन सा टी शर्ट का बोले थे? झूठ बोल रहा है असबद हमसे। दूजने बोले ना, दस रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा इसको। बोल रही है दूजने। दूजने मतलब दो लोग, दोनों का है ना असबद? दोनों का। केक ले लेंगे पेट भर। तुम लोग घर में खाना नहीं खाएगा? इतना लेट से जो इधर उधर का सामान खाएगा, खाना खा पाएगा तुम लोग? खाना हम खाना खा के यहाँ पे आते हैं, डायरेक्ट सैलरी में खाएंगे 3 बजे। वाह, हम तो सोते 4:30 बजे। फ्रेंड्स, यहीं पे मैं अब अपने ब्लॉग का एंड करूंगी और यहाँ से फिर मतलब थोड़ा सा नील पे हमने मेहंदी लगाया, अभी निकाल लूंगी जस्टी से। और आप लोग बहुत सारे कमेंट आए थे, ज़्यादातर बहुत प्यारा प्यारा रिक्वेस्ट आया है नाम लेने के लिए, तो मैं सोची कि ब्लॉग का एंड करने से पहले आप लोगों के नाम ले लूँ, उसके बाद ब्लॉग का एंड करूँगी। तो सबसे पहला जो कमेंट आया, उन्होंने लिखा, हेलो अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले आपको वालेकुम अस्सलाम डियर। उन्होंने लिखा, आजमगढ़ से हूँ, आप मेरी बेटी इगरा का नाम ले ले, मैं आपसे बहुत रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरी बेटी का नाम ले ले, वो आपको बहुत पसंद करती है, मेरी बेटी 11 साल की है। तो डियर, रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आप लोगों का नाम लेती ही हूँ और जैसे जैसे जब जब टाइम मिलता है ले लेती हूँ, बाकी अगर कभी छूट जाता है तो आप लोग बेफिक्र रहें, फिर से आप लोग कमेंट कर दिया करें, मैं कोशिश करती रहती हूँ नाम लेने का। एक कमेंट मुझे आया है, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम लो, मेरा नाम अर्श है। तो डियर, हमने अर्श तो लड़की का नाम होगा ना, हमने आपका नाम ले लिया है और आप लोग ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। सिद्धा जुनैरा ने मुझे कमेंट करके बोला है, भिंडी फ्राई मसाला रेसिपी बताओ दीदी, वेरी यमी। सच में बहुत टेस्टी बनता है, बट जिस दिन मैं बनाई थी उसमें रेसिपी भी दे चुकी हूँ, तो आप लोग उसको अच्छे से ब्लॉग को पूरा देखें तो आपको रेसिपी भी मिल जाएगी। एक कॉमेंट आया अभी मंडल आई डी से, अभी मंडल आई डी से आया है। मंडल मीन्स प्रॉपर बंगाल से, हाँ शायद कोई बंगाल से ही है, तो आप थोड़ा बता दे, हम भी आपके सब्सक्राइबर हैं, आपका हर वीडियो देखते हैं, इनका बहुत प्यारा सा लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, और मुझे आपने कभी मुझे रिप्लाई नहीं दिया, इसलिए कमेंट नहीं करती, वीडियो लाइक करती हूँ और हर वीडियो देखती हूँ, प्लीज मुझे रिप्लाई देना। तो डियर, सबसे पहली बात है ना कि मैं तो करती हूँ, वाईटी से शायद कर देती हूँ, पहले की क्यों वीडियो में मुझे याद है ये आईडी का रिप्लाई करती थी, अभी तो इधर क्यों नहीं होता है ना। और बाकी शायद देखिए वाईटी में हर कमेंट नहीं आता है, ठीक है, लेकिन हाँ, आपका आ जाएगा तो ब्लॉग अगर पूरा देख के आप कमेंट करेंगे तो आता है। हाँ। अच्छा, एक कमेंट और आया है, उन्होंने लिखा है कि नगमा आप ना कभी मेरा नाम नहीं लेती है, एक मरतबा भी, लेकिन मुझे खराब नहीं लगा, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ, मैं सूरत रंडर से, क्या रंडर है, सूरत तो गुजरात में, हाँ से हूँ, मेरा नाम आयशा है। तो डियर थैंक यू कि आपने इतना प्यार से रिक्वेस्ट किया और इतना प्यारा कमेंट किया। तो हाँ, जब जब जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं लेती रहूंगी, बाकी तो ब्लॉग भी तो डालना होता है ना। और शादाब शैफी आईडी से मुझे कमेंट आया, आप ही मैंने केले की रेसिपी बनाया, बहुत यम्मी बना, केले की रेसिपी का नाम क्या है? नाम तो मुझे भी नहीं पता फ्रेंड्स इसका, लेकिन हाँ इस तरह से गांव में भी मैंने, गुलगुले में भी ऐसे बनता है, आप गुलगुले में भी बनाना को जो है ना ऐसे चूर करके डाल करके गुलगुले भी बनाएंगी तो इसी तरह का बहुत टेस्टी बनता है, एकदम मिठाई की तरह, डिजर्ट की तरह। बाकी ये भी जो है ना मुझे मतलब नाम तो नहीं पता है, बट हाँ ये ऐसे बनता है, टेस्टी। हाँ, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट? नहीं नहीं नहीं, ये दादी लोग बनाती थी घर पे। अच्छा। आप भी बनाती है? वो भी बनाती है, उनके घर में भी सब शौक से खाते हैं। और अच्छा। दादी भी बनाती थी मेरे घर में, गुलगुला भी बनाती थी इसका बनाना डाल के, तो इसलिए मुझे याद था। और आपको भी तो पसंद आया केला, उसका नाम होता था केला फ्राई, बनाना फ्राई, पता नहीं जो भी हो, बट हाँ सच में टेस्टी बनता है। और आप लोग जो लोग नहीं ट्राई किए एक बार जरूर मेरे इस रेसिपी को ट्राई करना, सच में बहुत ज्यादा यम बनता है, शायद जिस दिन बनता ना पूरा चटक जाते हैं खुदा के लिए, अच्छा लगता है ना, लगता है ना कोई अच्छा सा टेस्टी सा डिजर्ट है, उस टाइप के लगता है, यूनिक है। हाँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, ऊपर से थोड़ा ये होता है फ्राइड फ्राइड टाइप, हाँ करें, अंदर से सॉफ्ट और एकदम कैरमलाइज होकर के बनाने का जो टेस्ट आता है वो बहुत ज्यादा यम लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग का मैं यहीं पे एंड करूंगी। तो आज का हमारा ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, जो लोग हमारे चैनल पे नहीं है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हमें ढेर सारा प्यार दे, अपनी दुआओं में याद रखें, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और आप सबका हैप्पी रंजन फिर से आप लोग का।
आई होप कि आप लोग का रमजान अच्छे से जा रहा होगा। इंशाल्लाह।